हाल ही में पवन सिंह की एक फिल्म रिलीज हुई थी शेर सिंह। जी हाँ, 6 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म। लेकिन क्या वजह रह गई कि फिल्म इतनी बेहतरीन है? आप जाइए, अगर आपके पास टाइम है तो इसे सिनेमा घर में देखिए। पवन सिंह की एक्टिंग, पवन सिंह का डांस, पवन सिंह का गाना और तो और पवन सिंह का एक्शन, सभी कुछ परफेक्ट होने के बावजूद भी यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो रही है। जी हाँ, सिनेमाघरों में इसे वो कामयाबी नहीं मिल रही है जिस कामयाबी की असली हकदार है यह फिल्म। इसके पीछे कई वजह जानने की हमने कोशिश की तो कई वजहें सामने आई। पहले तो ये कि इस फिल्म की जो रिलीजिंग डेट थी वो बार बार कैंसिल होती रही। फाइनली जिस डे पर फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के सितारे ही मुंबई में नहीं थे। इस फिल्म का प्रमोशन भी नहीं हुआ उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए था फिल्म के सितारों को। साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोग पवन और आम्रपाली के पेयर को पचा नहीं पा रहे। वैसे पवन और आम्रपाली एज पेयर इससे पहले गाने में दिख चुके हैं। सत्या फिल्म में ये दोनों एज अ पेयर आ चुके हैं राते दिया बुता के। लेकिन अब आपको ये बता दें कि लोगों को इनका ये पेयर पसंद भी नहीं आ रहा है। साथ ही जब प्रमोशन की बात हुई थी फिल्म के कि सारे स्टार्स फिल्म रिलीज होने के बाद प्रमोशन करेंगे फिल्म का, वो भी नहीं किया गया, न पवन सिंह की तरफ न आम्रपाली सिंह की तरफ से। साथ ही साथ जब फिल्म रिलीज हो गई, ना पवन ने और ना आम्रपाली ने, दोनों ने किसी भी रूप में इस फिल्म का प्रमोशन नहीं किया। और तो और पूरी टीम सिंगापुर पहुंच गई। वहां से भी चाहते तो वीडियो के माध्यम से लोगों को बता सकते थे, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को बता सकते थे और कई दफ़ा बता सकते थे कि फिल्म रिलीज़ हो गई है और जाइए आप लोग यह फिल्म देखिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिल्म धीरे धीरे ही सही लेकिन कई सिनेमा घरों से उतर चुकी है। और शेर सिंह के लिए आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना हंगामा हुआ था उसे देखकर ये लग रहा था इस साल की ये सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित होने वाली है। लेकिन फिल्म का अंजाम उससे पूरी तरह से उलट। जब पवन सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म का ये हाल है तो आप सोच सकते होंगे छोटे स्टार्स की फिल्मों का क्या हाल होता होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।